हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रूट सलाद बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम ले रहे हैं 1 लीटर दूध। इसको पहले हम बॉईल कर लेंगे। इसको बॉईल करने से पहले हाफ बाउल दूध निकाल लें। अब हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर दूध में उबाल आ रहा है, इसे अच्छे से 10 मिनट्स तक बॉईल कर लें। हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसलिए हम 4 चमचे यानी कि 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, हाफ लीटर के लिए 2 स्पून और 1 लीटर के लिए 4 स्पून। इस तरह से फुल फुल डालें। फुल 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला लें। हमेशा कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में ही मिलाएं। आप दूध के बजाय पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लें। कस्टर्ड पाउडर को गर्म दूध या पानी में मिलाने से लम्स बन जाते हैं, इसीलिए ठंडा ठंडा दूध या ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छे से मिल चुका है। यहाँ पर मैंने वेनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें पहले शक्कर को ऐड करेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। यहाँ पर मैं 1 कप शक्कर को ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शक्कर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट तक दूध को बॉईल कर लें। एक मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर के लिक्विड को ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर के लिक्विड को आहिस्ता से डालते हुए दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएं। अब इसी तरह से लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पका लें। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब फ्लेम को ऑफ कर दें। अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें फ्रूट्स को ऐड करेंगे। आप अपने मन पसंदीदा फ्रूट्स को ऐड कर लें। यहाँ पर मैं एक बॉल ग्रीन और ब्लैक ग्रेप्स ले रही हूँ, इसको ऐड कर लें। हाफ बाउल पोमीग्रेनेट्स, 1 बॉल फुल बनानास और 1 बॉल एप्पल्स और 1 बॉल एप्पल्स का। यहाँ पर हमने 2 बॉल्स एप्पल्स लिया है। आप अपने मन पसंदीदा फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। ये हमारा फ्रूट सलाद बनकर तैयार है। अब इसको मैं टेस्ट करके बतलाती हूँ। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी बना है। आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए। बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।